बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली, बर्टोल्ड ब्रैकेट। टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू माय बुक द पेज नंबर इज 86। व्हाट इज द पेज नंबर एट योर बुक? 124। द न्यू बुक दैट इज एनकेएम। एनकेएम की नई बुक 124। टेक्स्ट। ये ड्रामा एपिक थिएटर में डिस्प्ले करने के लिए बनाया गया है। ये ड्रामा एपिक थिएटर की टेक्निक पर है। एपिक थिएटर की टेक्निक पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बात रिमाइंड करना चाहता हूँ, निकोलस कॉपरनिकस ने अपना काम 1543 के अंदर पब्लिश किया था, यानी कि 16 सेंचुरी में के मिड में पब्लिश किया था। व्हाट वाज दैट वर्क? कॉपरनिकस की थ्योरी थी, सन इज सेंटर ऑफ ऑल प्लेनेटरी सिस्टम, सूर्य तमाम तर सियारों के सेंटर में है, और ये कंट्रेरी है ओल्ड बाइबलिकल थ्योरी के कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ ऑल प्लेनेटरी सिस्टम। दैट द डिफरेंस। नाउ गैलीलियो गैलीली आर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट पाडुआ। पाडुआ के अंदर, पाडुआ इज अ यूनिवर्सिटी इन इटली, सेट्स आउट टू प्रूव कॉपरनिकस न्यू कॉस्मोगनी। कॉस्मोगनी नया सियारों की चाल, कायनात की फिजा, सितारे, प्लैनेट्स, इसको सबको कॉस्मोगनी कहते हैं। कॉपरनिकस की नई कॉस्मोगनी को प्रूव करना जा रहा है। कॉपरनिकस की नई कॉस्मोगनी को एक और शख्स ने भी प्रूव करने की कोशिश की थी। कौन था? ब्रेनो, जिसको जिंदा जला दिया गया था। अब जस्ट 50 या 60 इयर्स के बाद ही इज अगेन आल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ सेम वर्क। सो इन द ईयर 1609, यानी कि 1609 की बात है, ये पोएम का एक टुकड़ा है। In the year 1609, science light began to shine at Padua city in a modest house. Galileo Galilei set out to prove the sun is still, the earth is on the move. Science ने अपनी रोशनी बखेरनी शुरू की। ये Padua city है, university है, और उसका एक घर है। गैलीलियो गैलीली ने यहाँ पर प्रूव करना शुरू किया है अपने घर में बैठकर, क्या सूरज ठहरा हुआ है और ज़मीन उसके गिर्द घूम रही है, जबकि बाइबलिकल थ्योरी है ज़मीन स्टैटिक है, ठहरी हुई है और पूरी कायनात उसके गिर्द घूम रही है। गैलीलियोस रेदर रेस्ट स्टडी इन पाडुआ। पाडुआ के अंदर रेस्ट स्टडी उसकी एक लेबॉरेटरी है, बड़ी बदबخت किस्म की, बड़ी बोर किस्म की। इट इज़ मॉर्निंग, वक्त सुबह का है। अ बॉय एंड्रिया एंड हाउस कीपर्सन, एंड्रिया और घर की जो मालकन है, कीपर है, केयर टेकर है, उसका बेटा है एंड्रिया, वो ब्रिंग्स इन अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड आ रोल। वो एक ग्लास लेकर आता है एक दूध का और एक रोल लेकर आता है सुबह सवेरे। एंड्रिया कमरे में दाखिल हुआ एक ग्लास और रोल के साथ। अब यहाँ से डायलॉग शुरू होगा। गैलीलियोस रेदर रेस्ट, ये तो हो गया गैलीलियो, गैलीलियो का पहला डायलॉग। वॉशिंग डाउन टू द वेस्ट, पफिंग एंड चीयरफुल, नहा रहा है, अपनी कमर के नीचे तक पानी डाल रहा है और साथ ही कह रहा है लाइक दिस ही इज प्रोड्यूसिंग साउंड। He is also happy, at the same time he is also puffing owing to the cold. Put that milk on the table and don't you shut any of those books. Glass rakh do table par aur kisi book ko band na karna. Andrea, mother says we must pay the milkman. Ammi ne kaha hai milkman ko paise bhi dene hain. Or he'll start moving a circle round our house. Mr. Galilei,
अगर उसे पैसे ना दिए तो मिल्कमैन हमारे घर के गिर्द सर्कल लगाना शुरू कर देगा। जैसे तुम कहते ना कि ज़मीन सूरज के गिर्द सर्कल लगाती है, इसी तरह वो मिल्कमैन भी हमारे घर के गिर्द सर्कल लगाना शुरू कर देगा। नाउ देयर ट्यून एंड मूड्स, सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट जैसी उनकी एग्जांपल्स और मूड्स हैं। ह्यूमर गैलीलियो डिस्क्राइबिंग अ सर्कल, यू मीन इंडिया, और वो हाथ से इशारा देता है, उंगली घुमा के ऐसे इशारा करता है, तुम्हारा मतलब है ऐसे सर्कल लगाना शुरू कर देगा। ही इज ऑल्सो जोकिंग, किडिंग एंड्रिया, व्हाट एवर यू लाइक, भाई जैसा भी सर्कल तुम कहो। एंड वी डोंट पे द बिल, ही विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग सर्कल अराउंड अस, स्टार्ट डिस्क्राइबिंग सर्कल अराउंड अस। मिस्टर गैलीलियो, अगर हम बिल पे नहीं करेंगे तो वो शुरू कर देगा डिस्क्राइब करना भी कि वो सर्कल कैसा लगाएगा। गैलीलियो, व्हेयरएज व्हेन मिस्टर कैम्बोनी द बेलिफ कम्स स्टेट फॉर अस, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ही गोइंग टू पिक। अच्छा, अगर हमारे घर में अगर मिस्टर कैम्बोनी आ जाए जो बेलिफ मीन कोर्ट मैन, जो कि अदालत का आदमी, अगर वो हमारे घर आ जाए तो बताओ कि उससे हमारे घर तक का फासला कितना फासला होगा दो पॉइंट्स के दरमियान। ही इज टॉकिंग लाइक मैथमेटिशियन, दैट इज ऑल जोक, नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिनिंग, दांत निकलते हुए, हंसते हुए, द शॉर्टेस्ट, बड़ी जल्दी, यानी कि वो थाने भी जा सकता है, अदालत में भी जा सकता है कि ये मेरे पैसे नहीं देते, ये भी खतरा है। तो हमें इस बात से क्या मालूम हुआ कि गैलीलियो, जिसको हम हमेशा यूं देखते हैं कि वो बहुत ही जेंट फिगर है, ही इज़ बाथिंग लाइक ए वेरी कॉमन मैन, और उसकी स्किन, उसकी बॉडी वेरी कॉमन मैन की तरह है, एंड ही इज़ आल्सो फेसिंग द फ्रेट ऑफ सम लोन, और वो कर्ज के नीचे भी है, दूध वाले के पैसे भी देने हैं, तो दैट इज़ लुकिंग दैट वो आदमी बिल्कुल कॉमन मैन की तरह है। हालांकि गैलीलियो बड़ा फिगर है, लेकिन कॉमन मैन की तरह से दिखाया गया कि ही इज़ आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो हमारे जहन के अंदर से वो बात निकल जाती है कि पता नहीं कितनी बड़ी बला की हम बात करने जा रहे हैं। नो, तो ये एपिक थिएटर की टेक्निक है कि हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं एक आम आदमी की तरह, हम उसे बेटर देन एवरेज मैन नहीं देखते। राइट, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, लुक बियॉन्ड द स्टार चार्ट्स, मैंने तुम्हारे लिए कोई चीज़ तलाश कर रखी है, ज़रा ये स्टार चार्ट्स के पीछे देखना, एक मॉडल है, वो बता रहा है कि एक मॉडल है, एंड या रमेज सर्च करता है बिहाइंड द स्टार्स चार्ट्स एंड ब्रिंग आउट अ बिग वुडन मॉडल ऑफ द फैटलोमिक सिस्टम। वो फैटलोमिक सिस्टम का एक वो ले आता है, मॉडल ले आता है, लकड़ी का बना हुआ मॉडल है। ये किस तरह का है, एक बॉल है, उसके गिर्द फिर स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, तारें लगी हुई हैं बहुत सारे, ठीक है, उन तारों के अंदर छोटी छोटी बॉल्स हैं, सेंटर में मेन बॉल और बाहर भी स्ट्रिंग्स के ऊपर लगी हुई छोटी छोटी बॉल्स हैं। सेंटर वाली बॉल ये शो करती है कि दैट इज़ अर्थ, और बाहर वाले स्ट्रिंग्स के ऊपर लगी हुई बॉल शो करती हैं रिमेनिंग अदर प्लैनेट्स जो कि इस ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, और कहते हैं इन स्ट्राइप्स के ऊपर चलते हैं, हर एक स्टार या प्लैनेट ज़मीन के गिर्द जब घूमता है तो अपनी अपनी पट्टी के अंदर घूमता है, अपने अपने दायरे में घूमता है, अपने अपने रास्ते पर घूमता है, दैट इज पैटलोमिक मॉडल। और अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही तो मैं इसके लिए कहूँगा, एट लीस्ट आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, नॉट आई एम एस्ट्रोलॉजिस्ट, हम और आप दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट भी नहीं हैं और मैथमेटिशियन भी नहीं है, बस मोटी मोटी बात समझ में रखें, और इस पर आपको कोई सवाल नहीं रेज कर देना उन्होंने कि बताएं जी वो पैटलोमिक सिस्टम क्या था, व्हाट इज इट, ये क्या है। दैट्स एन आर्मिलरी स्फीयर, ये वुडन शेप का एक दायरा है, इट्स कंट्रेप्शन टू शो, ये एक मॉडल है जो ये दिखाता है हाउ द प्लैनेट्स मूव राउंड द अर्थ, कि प्लैनेट्स किस तरह ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। सेंटर में क्या था उसके मॉडल के,
और उसके इर्द गिर्द स्ट्रिंग से तारों से क्या चीज़ थी, छोटी छोटी बॉल्स थी, वो क्या शो करते हैं, प्लैनेट्स दूसरे। अब इस टेक्स्ट को पढ़ने का एक और भी इशू है, इस टेक्स्ट को जब आप पढ़ रहे होंगे यू विल नॉट गो टू डिक्शनरी अगेन एंड अगेन, जस्ट यू हैव टू अज्यूम व्हाट कैन बी द मीन ऑफ द सेंटेंस। आपने सिर्फ मेन थीम को माइंड में रखना है। इफ़ व्हेन यू आर गोइंग टू डू रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन यू आर डूइंग ओवर देयर, और अगर वहाँ पर कोई डिफिकल्ट लाइन्स या मीन्स आ गई हैं, यू विल नॉट बोदर यूर सेल्फ दैट कि इसका मीनिंग लाजमी मुझे लिखना है, यू हैव टू टेल द अज्यूम। तो आपने अंदाजे से उसको बता देना है कि इसमें ये कहा जा रहा है, दैट विल बी राइट, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। जब मैं आपको क्रिटिसिज्म पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ये सारे मामलात सही होंगे कि ऐसा क्यों आप गलत एक्सप्लेन कर दें। तो भी गलत एक्सप्लेन कर दें तो इसमें आपका कसूर नहीं है, अगर आप गलत एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें कसूर होगा उस राइटर का कि उसने लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल की है कि जिसको इंग्लैंड में बैठा हुआ एक अंग्रेज़ तो अंडरस्टैंड कर पाता है, लेकिन चाइना में बैठा हुआ एक चाइनीज़ उस इंग्लिश को पढ़कर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। फॉल्ट इज नॉट योर। पाकिस्तान में बैठा हुआ एक स्टूडेंट जो इंग्लिश को 12-14 साल पढ़ने के बाद उसको पढ़ता है तो उसको समझ नहीं आती, इट्स मीन दैट फॉल्ट इज नॉट इन द स्टूडेंट। क्रिटिक, क्या तमाम क्रिटिक और रीडर जो हैं वो बार बार डिक्शनरी पर जाएंगे जब कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे? नो, नेवर। व्हाई? यू हैव टू रीड बाय ओन, जो आपकी परसेप्शन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक आप लिख देंगे। बट यू शुड बी ऑनेस्ट, और नॉलेज बढ़ता जाएगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, बहुत सारी बातें बताता जाऊँगा आपको। तो आपने ये बार बार वर्ल्ड मीनिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, बस आपने एज्यूम करना है, अंदाज़ा करना है, सेंस गेन करना है कि व्हाट विल बी द डिस्कशन ओवर देयर, क्या बातें हो रही हैं, क्या बात हो सकती है, दैट इज़ इनफ। कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है एक दो वर्ड मीनिंग देखने की, दिल करता है देखने को भाई इसका ट्रू मीनिंग जहन में आ जाए, देख लें, अदरवाइज बार बार नहीं भागना जिस तरह आप पार्ट वन के अंदर भागते थे बार बार हर चीज़ के वर्ल्ड मीनिंग, हर चीज़ के वर्ल्ड मीनिंग। नो, देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। ओके एंड्रिया, हाँ ओके, कहते हैं कंट्रेप्शन टू शो हाउ द प्लैनेट्स मूव अराउंड अर्थ अकॉर्डिंग टू आवर फोर फादर्स। ये वो मॉडल है जिसमें बयान किया गया है किस तरह ज़मीन के गिर्द सारे प्लैनेट मूव करते हैं, और ये जो सिस्टम है ये एक मॉडल बना दिया गया है प्लैनेट्स और अर्थ का, और ये मॉडल हमारे फोर फादर्स के मुताबिक है, यानी कि अरिस्टोटल, प्लेटो, अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट कोई पहले आए हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उसके मुताबिक ये है। हाउ, कैसे? लेट्स एग्जामिन इट। आओ इसे देखते हैं। स्टार्ट एट द बिगिनिंग डिस्क्रिप्शन, आओ हम स्टार्ट करें डिस्क्राइब करना। इन द मिडल देयर इज अ स्मॉल स्टोन, मिड में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है। गैलीलियो, दैट्स द अर्थ, ये ज़मीन है। राउंड इट देर आर रिंग्स वन इन साइड अनदर, और फिर इसके बाद इसके ऊपर तारे हैं, तारों के रिंग हैं, और हर तार एक दूसरे के अंदर परोई हुई है, एक तार अंदर की तरफ है, दूसरी उससे बाहर, फिर तीसरी उससे बाहर, इस तरह एक पूरा छज्जा बनाया हुआ है तारों का। हाउ मैनी, कितनी तारे हैं, रिंग्स हैं, एट। देयर इज अ क्रिस्टल स्फीयर, इन तारों को कहते हैं क्रिस्टल स्फीयर, ये साफ शफाफ दायरे हैं जिसके अंदर प्लैनेट मूव करते हैं, उनको तारों से शो किया गया है, रिंग्स से शो किया गया है। स्टक टू द रिंग्स आर लिटिल बॉल्स, और हर रिंग के साथ छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई हैं। द स्टार्स, ये सितारे हैं जो बॉल्स शो हो रही हैं, इसका मतलब है ज़मीन सेंटर में सितारे उसके गिर्द घूम रहे हैं। देन देर आर बैंड्स विद वर्ड्स पेंटेड ऑन देम, और फिर साथ हर स्ट्रिंग के साथ एक पट्टियाँ लगी हुई हैं, पट्टियों के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ लफ्ज पेंटेड हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, किस तरह के लफ्ज हैं? नेम्स ऑफ स्टार्स, हर पट्टी के ऊपर सितारों का नाम लिखा हुआ है। सच एज़, जैसा कि ये देखो उंगली रख के दिखाता है, द लोएस्ट बॉल इज द मून, सबसे नीचे वाले तो चांद है। इट्स इज,
पट्टी तो यहीं लिख कर बताती है, अबव दैट द सन, इसके ऊपर सूरज है। नाउ स्टार्ट द सन मूविंग, अब सूरज को मूव करना शुरू करो। अब सूरज को मूव करता है, उस स्ट्रिंग पर पकड़कर सूरज को मूव करता है, मूव द रिंग, वो रिंग घुमाता है। दैट्स ग्रेट बट वी आर सो शट इन, ये तो बड़ा कमाल है कि सूरज हमारे गिर्द वाकई ऐसे घूमता है, वो रिंग को घुमाता है तो सूरज घूम जाता है। लेकिन कहता है एंड्रिया, वी आर सो शट इन, लेकिन हम अंदर इंतहाई बंद हुए पड़े हैं। मीन कि हमारे इर्द गिर्द सूरज, चांद, सितारे हमारे इर्द गिर्द जब हरकत करते हैं तो हम शट हो चुके हैं, स्टेटिक हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो ये लाइन बड़ी अहम है, छोटी सी बात है लेकिन बात अहम है कि वी आर कंजर्वेटिव, वी आर नॉट थिंकिंग ब्रॉडली, हम उसी पुरानी ख्याल के साथ जुड़े हुए बैठे हुए हैं, हम शट इन हैं, बंद हैं। अब जब ज़मीन बाहर निकलेगी, घूमेगी, तो फिर ब्रॉड हो जाएंगे, ज़मीन घूमने के साथ सारे के सारे कंजर्वेटिव थॉट्स भी घूम जाएंगे, हम इंसान हरकत में आ जाएगा। और ऐसा हुआ है, आपने देखा है। गैलीलियो ड्राइंग हिमसेल्फ, यस आई फेल्ट दैट फर्स्ट टाइम आई सॉ वन ऑफ दोस, हाँ मैंने महसूस किया जब मैंने इनमें से एक सितारे को देखा। वी आर नॉट द ओनली वन टू फील इट, हम नहीं हैं जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। ही टॉसेस द टॉवल टू एंड्रिया फॉर हेम टू ड्राई हिज बैक विथ, वो एंड्रिया की तरफ टॉवल फेंकता है ताकि वो एंड्रिया उसकी कमर को साफ कर सके। दैट इज़ वेरी डोमेस्टिक, ऐसा सीन है कि गैलीलियो गैलीली को कभी भी वो देवता नहीं बनने देगा, बैटर देन एवरेज मैन नहीं बनने देगा। ही वॉज लुकिंग लाइक द जस्ट फूल एंड कूल एनिमल लाइक मैन। वॉल्स एंड सफेयर्स एंड इमोबिलिटी, मैं महसूस कर चुका हूँ कि कितने हम शट इन हैं, कि हमारे इर्द गिर्द दीवारें हैं, दायरे हैं और हरकत बिल्कुल नहीं है। For 2000 years people have believed that the sun and all stars of heaven rotate around mankind. 2000 साल तक इंसान ने ये यकीन रखा है कि सितारे और planets ये सारे इंसान के गिर्द घूम रहे हैं। Man is very important. Pope, cardinals, princes, professors, captains, merchants, fishwives, school kids, ये सारे लोग, चाहे मजहबी लोग थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे वो कैप्टन थे, चाहे वो ताजर थे, वो सारे के सारे थॉट दे वर सेटिंग मोशनलेस इनसाइड दिस, वो सोच रहे थे कि वो सारे के सारे बेहिस्सो हरकत अंदर बैठे हुए हैं क्रिस्टल सफेयर में, मीन के ज़मीन के ऊपर, ज़मीन में वो बैठे हुए हैं चुप करके, खामोशी के साथ, ज़मीन हरकत ही नहीं कर रही। 2000 साल तक इंसान ने ये सोचा। बट नाउ वी आर ब्रेकिंग आउट ऑफ इट एंड्रिया, लेकिन हम अब इन दायरों को तोड़ने वाले हैं, हम इन दायरों को तोड़ लेंगे। याद रखें, गैलीलियो गैलीली ने भी मज़हब के सर पर बैंग किया था, जब उसे ये थ्योरी दी थी तो मज़हब शेक हो गया था और सोच सारी खुल गई थी, लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए थे, शट इन ख़त्म हो गया था। और वो कह रहा है कि एंड्रिया हम ब्रेकआउट करने वाले हैं एट ऑल फुल स्पीड, बिकॉज द ओल्ड डेज आर ओवर, पुराने दिन गुजर गए, एंड दिस इज न्यू टाइम, नया वक्त है। फॉर द लास्ट 100 years मैनकाइंड हैज सीम टू बी एक्सपेक्टिंग समथिंग, 200 सालों से इंसान कोई नई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, अब कुछ नया चाहता है। आवर सिटीज आर क्रैम्प्ड, हमारे शहर गल सड़ रहे हैं, डर्टी हैं, एंड सो आर मैनज माइंड, और इंसानों के जहन भी डर्टी हैं। सुपरस्टिशन एंड अ प्लेग, हर तरफ तोहम परस्ती है, वबा सी है। बट नाउ द वर्ल्ड इज दैट्स हाउ थिंग्स आर, लेकिन अब बात यह है कि चीज़ें हैं कैसे। बट दे वुडेंट स्टेट लाइक दैट, अब हमने ये देखना है कि चीज़ें कैसी हैं।
लेकिन ये चीज़ें ऐसे रहेंगी नहीं, चीज़ें जैसे पहले थीं वैसे नहीं रहेंगी, अब चीज़ों की हियत बदल जाएगी, उनके उनके एंगल्स बदल जाएंगे। बिकॉज एवरी थिंग इज़ इन मोशन माई फ्रेंड, क्योंकि हर चीज़ हरकत में है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हर चीज़ हरकत में है तो थाट क्यों ठहरी रहेगी? तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक है इनडायरेक्टली। जब हर चीज़ मोशन में है, आगे की तरफ जा रही है, तो रिवर्स क्यों जाया जाए? जब पिछला जो स्टेटिक कल क्यों कर लिया जाए कि जे जो जीव का कंसेप्ट था रिलीजन के बारे में वहीं ही क्यों अपनाया जाए? जो क्राइस्ट का था वहीं ही क्यों अपनाया जाए? नया आगे क्यों ना आए? कोई नई क्यों ना कोई चीज़ हो? लेट्स सी। आई लाइक टू थिंक दैट इट बिगिन विद द शिप। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि हर चीज़ कैसे मोशन में है, चीज़ें कैसे तब्दील हो रही हैं, तब्दीली कैसे आ रही है। तो एज़ फार एज़ मैन कुड रिमेंबर, जहाँ तक इंसान याद कर सकता है, दे हैड ऑलवेज हग द कोस्ट। मैं बात शुरू करूँगा शिप से, और जहाँ तक मुझे याद है ये शिप चलाने वाले बस इंसान जो थे वो किनारों से चिमटे हुए थे। देन सडनली दे अबैंडन्ड द कोस्ट लाइन, फिर अचानक ही उन्होंने छोड़ दिया। किसको? बंदरगाह को छोड़ दिया, किनारे को छोड़ दिया। एंड वेंचर्ड आउट अक्रॉस द सीज, वेंचर्ड और सेट आउट, सफ़र शुरू किया। कहाँ? समंदर के अंदर। पहले इंसान किनारों पर चिमटा हुआ था, समंदर में नहीं जाता था, फिर इंसान ने समंदर में जाना शुरू कर दिया। ऑन आवर ओल्ड कॉन्टिनेंट आ रूमर्स स्प्रैंग अप, और हमारे पुराने बड़े आज़म पर ये ख़बर फैल गई, देर माइट बी न्यू वंस, कि शायद किनारे कोई और भी हों, लोग कोई और भी हों, जजीरे कोई और भी हों। एंड सिंस आवर शिप बिगेन सेलिंग देम, और इससे सेलिंग टू देम, और इससे पहले कि हम उन नए लोगों की तरफ सफ़र शुरू करते, द लाफिंग कॉन्टिनेंट्स हैव गॉट द मैसेज। तो लाफिंग कॉन्टिनेंट को मैसेज मिला, यानी कि हम इससे पहले के किनारों पर दूसरे लोगों के पास पहुँचते, उन्होंने हमें बड़ा वेलकम कहा। हैव गॉट द मैसेज, उन्होंने मैसेज मिला लाफिंग कॉन्टिनेंट्स, और उन्होंने खुश आमदीद कहा हमें। द ग्रेट ओशन दे फियर्ड, और जिस बड़े समंदर से इंसान डरता था, इज़ अ लिटल पुडल, वो तो छोटा सा एक टब है, पानी का टब है। एंड अ वॉर डिज़ायर हैज स्प्रंग अप टू नो द रीजंस फॉर एवरीथिंग, और फिर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश ने जन्म लिया कि वो हर चीज़ की रीज़न तलाश करेगा। एप्पल है क्यों है, एप्पल उगता है क्यों उगता है, एप्पल गिरता है नीचे क्यों गिरता है, हर चीज़ की इंसान रीज़न तलाश करने लगा। बादल आसमान पर क्यों आता है, कूल ब्रीज क्यों चलती है, लोग आपस में एक दूसरे को आई लव यू क्यों कहते हैं। ठीक है मेरे बेटा? हाँ। वाई आर स्टोन फॉल्स, क्यों एक स्टोन नीचे गिरता है, वेन यू लेट इट गो, जब आप उसे छोड़ देते हैं। एंड वाई इट राइजेज वेन यू टॉस इट अप, और जब आप ऊपर फेंकते तो ऊपर क्यों जाता है, रीज़न तलाश करने के लिए लोगों ने ख्वाहिश की। ईच डे समथिंग फ्रेश इज़ डिस्कवर्ड, हर दिन एक नई चीज़ डिस्कवर होने लगी। मैन ऑफ 100 इवन आर गेटिंग द यंग पीपल टू बाउल द लेटेस्ट एग्जाम्पल इन टू देर एयर, और फिर 100 साल के बुज़ुर्गों ने नौजवानों के कानों के अंदर अपने दिल की बातें मिसालों की सूरत में कह डाली, यानी कि हर आने वाले को पुराने ने अपने तजर्बात बता दिए। देर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, बहुत सारी दरियाफियात हुई, बट देर इज स्टिल प्लेंटी टू बी फाउंड आउट, और अभी भी बड़ी गुंजाइश है, बहुत सारी चीज़ें तलाश करनी हैं। सो फ्यूचर जनरेशन शुड हैव इनफ टू डू, और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को तो बहुत कुछ करना बाकी है। मीन के हंड्रेड ऑफ मिस्ट्रीज आर स्टिल इन वेट टू बी एक्सपोज्ड। एज अ यंग मैन इन एसाइना आई वॉच ग्रुप ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स, और एसाइना के अंदर मैं जब नौजवान था तो वहाँ पर मैंने वर्कर्स को
लेबर को, मजदूरों को आगू करते हुए देखा फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक। फिर क्या हुआ? देन अबैडन 1000 year old मैथड ऑफ शिफ्टिंग ग्रेनेट ब्लॉक्स। फिर उन्होंने वो पुराना मेथड छोड़ दिया, बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर के ब्लॉक को उठाने वाला, इन फेवर ऑफ अ न्यू, एक नए तरीक़ाकार की रोशनी में। यानी कि मैंने देखा पहले वो कंधे पर लाद कर जाते थे, 10-10 लोग एक पत्थर को ऊपर लेकर जाते थे। फिर उन्होंने 5 मिनट तक गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने नया रास्ता, नया तरीका अपनाया और पुराना छोड़ दिया। क्या? एंड मोर एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ द रोप्स, और वो रस्सों के ज़रिए ज़्यादा बेहतर तरीके से पत्थर को उठाने वाले तरीके पर अमल करने लगे। तो ये न्यू नस थी, कहते मैंने तब्दीली देखी है। देन देयर आई न्यू, और फिर मैंने जाना, द ओल्ड डेज आर ओवर, पुराने दिन चले गए हैं, दिस इज न्यू टाइम, नया वक्त है। सून ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स अबाउट, जल्दी इंसानों ने, गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स अबाउट, इंसानों ने अपनी बाउंडेज, अपनी हदूद को समझना शुरू किया। द हेवनली बॉडी और ऑन विच इट डिवेल्स, और उन्होंने फिर हेवनली बॉडी को, हेवनली बॉडी मीन अर्थ को, ज़मीन को समझना शुरू किया कि ये कहाँ रहती है, किस हदूद में रहती है। व्हाट इज़ रिटन इन द ओल्ड बुक्स इज नो लॉन्गर गुड इनफ, पुरानी किताबों में जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं है। अंडरलाइन करें इस बात को, बड़ी बात कह दी है। छोटे जहनों के लिए बड़ी बात कह दी है उसने, मुझ जैसे छोटे जहन के लिए। क्या कहता है? कहता है कि द ओल्ड बुक्स इज नो लॉन्गर गुड इनफ। कहते ना कि 18 सेंचुरी से पहले का सारा लिटरेचर जला दो, समझ आ रही है ना। फॉर वेयर फेथ हैज बीन इनथ्रोन्ड फॉर 1000 years डाउट नाउ सिट्स, जिस जगह पर ईमान का तख्त लगा हुआ था, इंसान का जहन जहाँ ईमान का तख्त होता था, अब वहाँ पर डाउट रहता है, डाउट आके बैठ गया। पहले लोग कहते थे कि आपका यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। साइंस जब आई है तो लोगों ने कहा क्यों, हर चीज़ की रीज़न होनी चाहिए, हर चीज़ पर डाउट किया जाना चाहिए। डाउट करेंगे तो सीखेंगे, डाउट करेंगे सीखेंगे, डाउट करेंगे सीखेंगे, यकीन करेंगे तो जामद हो जाएंगे, यकीन करेंगे जामद हो जाएंगे, यकीन करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, चुप हो जाएंगे, साकेत हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। मैं किन्नू किन्नू दसा ए राज दिया गल्ला हैं। एवरीवन सेज, हर एक ने कहा राइट, दैट्स व्हाट इट सेज इन द बुक्स, हर एक ने कहा जो कुछ किताबों में कहा गया, बट लेट्स हैव अ लुक फॉर आवरसेल्व्स, जो कुछ किताबों में कहा गया सो कहा गया, हमें ज़रा खुद तो देखने दो, हम तो खुद जानना चाहते हैं। किताबों की लिखी वाली बात साइड पर करो। शेक्सपियर ने कह दिया, उसने कहा फ्रायल्टी दाई नेम इज वेमेन। अरिस्टोटल ने कह दिया, उसने कहा औरत आधा मर्द है। किताबों ने ये कह दिया, लोगों ने 20वीं सदी के लोगों ने कहा जो कुछ किताबों में लिखा है सो लिखा है, जरा हमें खुद तो देखने दो। तो फिर क्या आया, फ्रायल्टी नो मोर, कमजोरी मजीद नहीं, औरत ने कहा। द मोस्ट सर्टेन ट्रूथ आर बीइंग फेमिनली नेगेट, जो बहुत ही अथेंटिक ट्रूथ थे, सोलन अथेंटिक ट्रूथ थे, उसको पुश कर दिया गया, बड़ी जुरत से उसका इनकार कर दिया गया। व्हाट वाज नेवर डाउटेड बिफोर इज डाउटेड नाउ, जिस पर पहले कभी शक नहीं किया गया था उस पर शक होने लगा, शक किया गया। जैसे कि किंग क्वीन, उस पर पहले कोई शक नहीं करता था, अब उस पर शक शुरू हो गया कि यार ये हमारे जैसा नहीं है, इसका नाक भी मेरे जैसा है, इसकी आंखें ही मेरी जैसी हैं, इसकी पिंडलियाँ मेरी जैसी हैं, ये बच्चे वैसे पैदा करता है, ये तो मेरे जैसा है, उस पर डाउट शुरू हो गए। दिस हैज क्रिएटेड अ ड्राउट, और इस चीज ने एक
ड्राउट खुश्की पैदा कर दी या इसने तब्दीली पैदा कर दी, चेंज पैदा कर दी, विच इज़ ब्लोइंग अप द गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड स्कर्ट्स ऑफ द प्रीलेट्स एंड प्रिंसेस। प्रीलेट्स ये इसको कहते हैं, पोप्स वगैरह को, आला दर्जे के लोगों को कहते हैं, और प्रिंसेस, रिवीलिंग द फैट एंड स्किनी लेग्स अंडरनीथ। और फिर तब्दीली की ऐसी हवा चली जिसने सोने से जड़ी हुई एम्ब्रॉयडरी वाली स्कर्ट को, कमीज़ को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, और जब वो कमीज़ फड़फड़ाई तो नीचे से नज़र आई वो पिंडलियाँ जो मोटी थीं या पतली थीं लेकिन इंसानों जैसी थीं। पहले तो किंग वाज द मोस्ट सिलेक्टेड एंड चूजन पर्सन ऑफ गॉड, पोप वाज द सिलेक्टेड पर्सन ऑफ गॉड, ही वाज नॉट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअली, ही वाज फ्रॉम समथिंग फ्रॉम हेवंस। तो बाद में पिंडलियों के ऊपर से हवा जब चली, कौन सी हवा थी ये? तब्दीली की हवा। जब तब्दीली की हवा चली तो उनके पिंडलियों के ऊपर पड़े हुए सोने से जर्क बर्क लिबास फड़फड़ाने लगे। फड़फड़ाने लगे तो आम आदमी देखने लगा कि है ये मोटी पिंडलियाँ मेरे जैसी, मेरे दादा जैसी, है ये पतली पिंडलियाँ कैसी, मेरे जैसी, मेरे भाई जैसी। उनको समय लेग्स लाइक आवर ओन, कि ये तो हमारी जैसी पिंडलियाँ हैं, ही इज़ ऑल्सो लाइक अस नॉट डिफरेंट। तो ये बड़ी बात थी कि फ्यूडल किंग्स और कॉमन मैन दोनों एक ही सतह पर आ गए, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। द हेवंस इट टर्न्स आउट आर एम्प्टी, और वो आसमान जो नज़र आता है वो बदल गया और खाली हो गया। यानी कि हम ऊपर देखते हैं तारों से भरा हुआ आसमान, उसने कहा कोई तारों से भरा हुआ आसमान नहीं है, खाली है आसमान। सितारे और हम सारे मिलकर हरकत कर रहे हैं स्पेस के अंदर, खाली स्पेस है ये। चेयरफुल लाफ्टर इज आवर रिस्पॉन्स, और हम बहुत बहुत पर चेयरफुल लाफ्टर देने लगे। किसी ने कहा वो सितारे जो हैं उसमें मेरी दादा की रूह है, लोग हंसने लगे, हा तुम्हारा दादा यहाँ रहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या बात करते हो भाई। बट द वाटर्स ऑफ अर्थ ड्राइव द न्यू स्पिनिंग मशीन्स, फिर देखा गया ज़मीन पर मौजूद पानी ने स्पिनिंग मशीन चलाना शुरू कर दी। पानी का जहाँ आबशार चल रही थी वहाँ पर उन्होंने मशीन लगा दी तो वो घूमना लग गई, चरखा चरखा घूमा तो कहीं और से चक्की भी चलने लग गई, तो ये साइंस की तरक्की होने लगी। वाइल इन द शिप यार्ड्स, और शिप्स के अंदर द रोप वॉक्स एंड सेल लॉफ्ट्स 500 हैंड्स और मूविंग टुगेदर इन न्यू सिस्टम। शिप में और बोट्स के अंदर फिर 500 इकट्ठे चप्पू चलाने वाली मशीनें आ गईं। पहले तो हर आदमी अलग अलग चप्पू चलाता था, फिर 500 चप्पू चलाने वाली एक ही मशीन लगा दी गई। ये 16 सेंचुरी की मशीन्स हैं। तो उसने इस पैराग्राफ में बताया है कि लोगों को नए नए अदराक हुए, लोगों ने अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाई, लोगों ने रीजंस तलाश किए, और साइंस ने भी साथ साथ तरक्की की। दिन बदल रहे हैं बहुत तेज़ी से। इट इज़ माई प्रोफेसी दैट गैलीलियो कहता है एंड्रिया को, ये मेरी प्रोफेसी है, मेरा पेशन गोई है, दैट आवर ओन लाइफ टाइम विल सी एस्ट्रोनॉमी बीइंग डिस्कस्ड इन द मार्केट प्लेसेस, कि एस्ट्रोनॉमी को लोग मार्केट प्लेसेस में डिस्कस करेंगे, लोग मार्केट कॉमन लोग भी एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस करेंगे। कहते मेरा यकीन है, जैसे पहले सियासत कौन डिस्कस करते थे, सियासत अगर करते कॉमन मैन नहीं करता था, आज आप देखते कॉमन मैन भी कर रहा है, कर रहा है ना। उधर इमरान खान उधर क्या करके बैठा है, धरनी करके बैठा है, और वो डॉक्टर तैरुल कादिर साहब वो क्या करके बैठे हैं, वो भी धरनी करके बैठे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, हमें भी दे और उनको भी दे जिनके बारे में वो कुछ कह रहे हैं कैसे। इवन द फिश वाइफ सन्स विल हेस्टन ऑफ द स्कूल, और यहाँ तक कि फिश वाइफ मच्छेरन के बेटे भी स्कूल जाया करेंगे। फॉर दीज नोवेल्टी सीकिंग पीपल इन आवर सिटीज़
विल बी डिलाइटेड विद द न्यू एस्ट्रोनॉमी। और फिर ये नई नई जो चीज़ें आ रही हैं ये लोग सीख करेंगे शहर के अंदर और खुश हो जाएंगे नई एस्ट्रोनॉमी के साथ। दैट सेट्स द अर्थ मूविंग टू, जिससे ज़मीन सारी की सारी घूम जाएगी। द ओल्ड आइडिया वॉज ऑलवेज दैट द स्टार्स वर फिक्स्ड टू द क्रिस्टल वायलेट। और अक्सर ये कहा जाता है कि सितारे तो अपनी अपनी ब्रांचेस के अंदर अपने अपने दायरों के अंदर फिक्स हैं, टू स्टॉप देम फॉलिंग डाउन। और इनको किसी चीज़ ने पकड़ रखा है, किसी दायरे ने पकड़ रखा है, किसी सफ़ेद ने पकड़ रखा है, किसी क्रिस्टल ने पकड़ रखा है, कहीं सितारे गिरी ना जाने चाहिए। ये कंसेप्ट था। टूडे वी हैव फाउंड अ करेज टू लेट देम सोर देयर स्पेस विदाउट सपोर्ट। कहते हैं आज हमारे अंदर इतनी जरूरत है कि हम सितारों को बगैर किसी सपोर्ट के उड़ने का तैरने का मौका दे दें। हैं, कल तक तो हम ये कहते कि ये गिर पड़ेंगे अगर इनका सहारा टूट गया, इनको पकड़ा हुआ है। कहते हैं आज़ादी, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, उड़ने दो इनको, तैरने दो इनको जैसे तैरते हैं। आज इनको छोड़ दो, खुला छोड़ दो। सो गिलेलियो गिलेली के बारे में मशहूर है, जब भी बात होती है तो कहते जब से गिलेलियो गिलेली ने ज़मीन को घुमाया था तो पोप भी घूम गया, इंसान भी घूम गया, और तब से तब्दीली आ गई, हर चीज़ मोशन में आ गई। जब से गिलेलियो गिलेली ने ज़मीन को घुमाया था, ज़मीन तो ऑलरेडी घूम रही थी लेकिन उसके बारे में हमारा विजन ये था कि ये ठहरी हुई है। गिलेलियो गिलेली ने आगे ज़मीन को घुमा दिया था, उसने मेरे एंगल तब्दील किए थे, हमारे एंगल में वो घूमने लग गए। नो बैठ जा, शट योर माउथ। Today we have found the courage to let them soar through space without support. They are traveling at full speed just like our ships. वो हमारे ships की तरह वो full speed से move कर रहे हैं, at full speed and without support. Full speed से तैर रहे हैं और बगैर support के तैर रहे हैं। And the earth is rolling cheerfully round the sun. और ज़मीन जो है वो खुशी खुशी सूरज के गिर्द सब ट्रेवल कर रही है, सूरज के गिर्द घूम रही है, और ज़मीन चेयरफुली घूम रही है। ज़मीन कोई मुश्किल में नहीं घूम रही, शी ज़मीन तो अर्थ इज़ वेरी हैप्पी जब वो घूम रही है। एंड फिशर वाइज मर्चेंट प्रिंसेस कार्डिनल्स, ये कार्डिनल्स जो है ये कार्डिनल्स मजहबी जो लोग हैं, एंड पोप आर रोलिंग विद इट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज। और जब ज़मीन खुशी खुशी घूम रही है तो पोप क्यों ज़बरदस्ती से रोकना चाहता है, कार्डिनल क्यों रोकना चाहते हैं, बल्कि कार्डिनल, फिशरमैन और पोप, प्रिंसेस, इन कॉमन मैन और सुपीरियर जो अपने वो कहते हैं, ये सारे के सारे घूम रहे हैं ज़मीन के ऊपर। नो वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड वन, नो वन इज़ ग्रेट वन। The universe has lost its center overnight. और यूनिवर्स, कायनात रात के वक्त अपने सेंटर बदल देता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तो यूनिवर्स का सेंटर एक ही है, यूनिवर्स के कई सेंटर बनते हैं रात के वक्त, क्योंकि पूरी कायनात घूम रही है तो कई सेंटर उसके बनते हैं, आगे पीछे होते हैं। And woken up to find it has countless centers. और फिर हमें पता चलता है, जब तक हम उठते हैं पता लगता है तो इसके तो कई सेंटर बन चुके हैं। सो अर्थ इज़ नॉट सेंटर, द पॉइंट इज क्लियर। सो दैट अर्थ इज नॉट सेंटर, सो द पोप इज नॉट सेंटर, ओके, सो दैट ईच वन कैन नाउ बी सीन एज अ सेंटर। तो बस हर एक शख्स सेंटर हो सकता है, कोई भी सेंटर नहीं है, हर एक सेंटर है। पता नहीं किस वक्त पूरी कायनात मुझ पर आकर फोकस कर ले, मैं सेंटर बन जाता हूँ, रात को सोया हुआ, किसी वक्त आप सेंटर बन जाते हैं। तो जितना कि पोप सेंटर बन रहा है, जितनी कि अर्थ सेंटर है, कभी बन जाती होगी अर्थ सेंटर, उतनी ही दूसरा चांद भी सेंटर है, उतना ही कोई और सितारा भी सेंटर है। इस तरह अगर पोप सेंटर है तो वो दूर मोहम्मद भी सेंटर हो सकता है, अल्लाह बख्श कहाँ चुंजी वाला भी सेंटर हो सकता है, तैरुल कादरी भी सेंटर हो सकता है,
नवाज शरीफ भी सेंटर हो सकता है, कोई भी सेंटर हो सकता है। सडनली देर इज अ लॉट ऑफ रूम, बस अचानक यहाँ पर बहुत सारे ओकेजंस हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर रास्ते मौजूद है, स्पेस मौजूद है। आवर शिप सेल्स फॉर ओवरसीज, हमारे शिप्स सेल करते हैं, समंदरों के पार चले जाते हैं। आवर प्लैनेट्स मूव फॉर आउट इन टू स्पेस, इसी तरह हमारे स्टार्स प्लैनेट्स भी दूर दराज स्पेस के अंदर सफ़र करते हैं। Inches to the rocks have begun sweeping far across the board. Chess के ऊपर देखो कि अब across the board जा सकते हैं, ये तब्दीली की निशानी है। पहले शतरंज जब खेलते थे उस वक्त एक एक स्टेप चलना पड़ता था, कोई भी यहाँ से लेफ्ट से राइट के ऊपर डायरेक्टली पूरे बोर्ड के पार नहीं जा सकता था, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल नहीं कर सकता था, ये रूल ऑफ चेस था। लेकिन अब रूल ऑफ चेस ये है कि कोई भी लंबा सफ़र कर सकता है, जितना लंबा आगे जाना चाहे। इट्स मीन दैट के लोगों के जहन ब्रॉड हो रहे हैं, इट्स मीन दैट चीज़ें खुल रही हैं, वसत पकड़ रही हैं। अब हम लोगों को दूर दराज जाने की, प्लांट्स को दूर दराज जाने की, अर्थ को दूर दराज जाने की, स्पेस में ट्रैवल करने की हम इजाज़त दे रहे हैं कि जाएं। ये हमारे जहन वसी हो रहे हैं अब। सडनली देर इज अ लॉट ऑफ रूम, अच्छा ये हो गया हमारा। रूक्स का मतलब है कि आगे बढ़ सकते हैं। बिगन स्वेपिंग, स्वेपिंग का मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर दूर दराज अक्रॉस द बोर्ड, बोर्ड से परे, यानी कि बोर्ड के ऊपर आप चेस के पीसेस भी दूर दराज तक सफ़र कर सकते हैं, वसत की निशानी है। What does the poet say? Poet ने क्या कहा था? Oh, early morning of beginnings. Oh, नई शुरुआत की नई नई सुबह। एंड्रिया उस शेर को कंप्लीट करता है। Oh, early morning of beginnings. Oh, breeze of wind that cometh from new shores. कहते हैं नई शुरुआत की पहली पहली सुबह, अलल सुबह, नया नया हवा की नई नई ब्रीथ जो आती है किनारों से। एंड यू वुड बेटर ड्रिंक कप योर मिल्क, और मेरे ख्याल में तुम गिलैली गिलैली दूध पी लो, बिकॉज पीपल आर श्योर टू स्टार्ट अराइविंग सून, क्योंकि लोग मेहमान तुम्हें मिलने के लिए आ जाएंगे अभी। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, अच्छा तुम्हें समझ आई है मैंने यस्टरडे तुम्हें क्या बताया था, मैंने कल तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें उसकी समझ आई है कि नहीं आई? ही ग्लैली ग्लैली इज आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एंड्रिया, वो क्या तजर्बा था जो सिखाया था एंड्रिया को ग्लैली ग्लैली ने, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अनपॉपुलर एक्यूट अकेडमी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया, टेक्स्ट पढ़ाई गई, कुछ टेक्स्ट और भी पढ़ाई जाएगी, बाकी टेक्स्ट आप खुद से पढ़ेंगे। सो हमारा फ़ोन नंबर है 0333-465-305। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय। इंट्रो पार्ट टू आप लें, इंट्रो पार्ट टू अवाब फोटो का पेशाब से ले आना है कल, अवान टाउन में, उसके अंदर बाकी सारी ये चीज़ें हैं, मैंने वहाँ से आपको बताना है।